जी बिल्कुल, जाहिर बात है मैं इस सेगमेंट में आती हूँ तो कुकिंग करना बहुत जरूरी है और ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों में बैठे हुए हैं या जॉब करते हैं। हाथ धोना बहुत जरूरी है, जिंदगी का एक आप लाजमी हिस्सा बना ले कि आपने हाथ धोना है, वो भी लाइफ बॉय के साथ, क्योंकि 99.9% जरासीम को खत्म करता है। तो आप सेहतमंद तो आपका घर सेहतमंद, तो ये बहुत जरूरी है। और हैंड सैनिटाइजर भी आप बैग में रख सकते हैं, बहुत जरूरी है, जो कि नहीं ठीक से चल रही है, नहीं चल रही क्योंकि वो हवा एक्चुअली वो आ रही है ना, हवा से वो यहाँ वहाँ आँच हो जाती है। कैसे आप लोग सब ठीक है? अल्लाह करम, ठीक ठाक, आप बताएं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, सलाम अलैकुम। हां वाकई बहुत घंटों बाद, आप तो जागते हैं ना, लग नहीं रहा 14 आप तो सोते नहीं है। नहीं नहीं इतना भी नहीं, मैं मिली नगमा पेश करूं आपकी खिदमत में? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके माशाल्लाह से बहुत, दोनों की बहुत अच्छी आवाज है, आप पेश कर भी सकते हैं, मुझे खुशी होगी। चलो आप पेश, आप पूरा नहीं नहीं है ना। अच्छा आप फ्राई कर रहे हैं डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें कलौंजी की जितनी अफादियत है आप सबको पता है कि कितनी सारी शिफा इसके अंदर है। तो आप ऑयल लेकर आए, बहुत ही हल्का डालडा जो करते हैं, ये बहुत अच्छा पैक है ना, ये बहुत जबरदस्त अच्छा लगता है। ये वाला पैक मुझे बहुत ही जबरदस्त, की पैकिंग बहुत अच्छी है। तो आप फ्राई करेंगे बड़े जबरदस्त सब्रोसों के, लेकिन जरूरत क्या है, चिक कॉर्न फ्राइज, चिक कॉर्न फ्राइज, इसमें कॉर्न भी है और चिकन भी है। कॉर्न चिक कॉर्न फ्राइज, चिक चिकन का कॉर्न फ्राइज, क्या कॉर्न फ्राइज, हाँ ये हमें भी नहीं पता, ठीक है अब ये अच्छा हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा मीठा, क्योंकि मैंने अभी जो आज 11वां रोजा है माशाल्लाह से, और मैंने फर्स्ट रोजे को मीठा बनाया था, तो मैंने सोचा कि 11वें रोजे को मीठा बनाओ, फिर किस रोजे बनाएंगे वो नहीं, फिर मैं सोचूंगी, अभी मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा इंशाल्लाह, मैं देखती हूँ 32 को बना लूंगी, दूसरी ईद होगी ना। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा तो आज मैं बहुत जबरदस्त बना रही हूँ मिल्क पुडिंग। जी जनाब आप बड़े हैरान हो जाएंगे, मिल्क और पुडिंग तला जाएगा फिर गत्ता भी तला जाएगा, मेरी बात में हैरानी नहीं है, सॉरी सॉरी, नहीं आप नहीं, मिल्क पुडिंग वो इटसेल्फ हर कोई अपना अपना काम, मैंने आज नाम बिगाड़ने नहीं है इसका, बिगड़ा बिगड़ा है क्या करें आप, मिल्क पुडिंग बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। और इसमें मैंने इस्तेमाल किया है, अभी पहले से मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा था, ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क। जी जनाब ऑल पर्स मुझे बहुत पसंद है, सभी को पसंद होता है क्योंकि गाढ़ा होता है, साफ होता है, मज़ेदार सा होता है, UHT ट्रीटेड और 28 क्वालिटी टेस्ट के बाद ही हम तक पहुंचता है। और जहां पर जिस फॉर्म में ये गाय और भैंस रखी जाती है उनकी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, अच्छा। इसी वजह से साफ सुथरा और बिल्कुल तसल्ली बख्श मिल्क है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं बताइए सर? मैं गाय और भैंस की डाइट का ख्याल रखा, बड़ी बात है, आप अच्छी बात है, रमजान में तो बिल्कुल तबाही है, तबाही, रबड़ी खाते हैं, सेहत का ख्याल रखता है, तो रबड़ी भी तो दूध से बनती है, शुगर शुगर चीनी जो है ना वो खतरनाक है, दूध तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत पीती हूँ, वो तो बहुत शुगर खतरनाक है, ये ले जाओ बेटा वापस, अरे मीठा कैसे बनेगा, ले जाओ मीठा, कोई खतरनाक चीज होनी नहीं चाहिए सेट पे भाई, सेट पे खतरा है, खतरा खुद कह रही हैं खतरनाक अपनी हम डाल, मैं तो कुछ बोल दो ना वो मेरी मुसीबत हो जाती है, ठीक कह रहे अपने आप मेरे साथ साथ या करें ना, मैं आपकी खाला का बेटा हूँ, कौन हूँ, कजन है हमें, क्यों दूँ आपके साथ में, जी चले ठीक है, मैं आप कुकिंग कर रही हूँ, हाँ। सही है ना, मीठे में मीठा नहीं जाएगा, क्या जाएगा मीठे में, मीठे में मीठा ही जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, खतरनाक चीज और खतरनाक चीज नहीं डालनी चाहिए, हाँ। आपने आप बनाना है ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क से, मैंने बनाना है बनाना से, बनाना शेक बनाना है, उसके अंदर हमने हमने क्या करना है, हमने कशी का जामे शीरी जो की खालिस 100% अच्छा जामी शीरी आपने ऐड करना है, अब आपकी मर्जी से आप उसके अंदर ऑल पर्स का मिल्क शामिल कर सकते हैं, okay. और आप जामी शीरी कम डालिए, कल बहुत ज्यादा डाल दिया था, तो कलर कैसा हो गया था, बिल्कुल जामी शीरी कहाँ है, जामी कर्शी का जामी शीरी वहाँ रखा हुआ है, मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ, मैदे के साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर में तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि इसका हमने बैटर तैयार करना है, ये हमारी अच्छी सी पुडिंग बनने वाली है। और इसके साथ में एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मैं इसके साथ क्या शामिल करूँगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, चाहे तो आप ऑल पर्स डेरी मिल्क कम डालना फुल क्रीम मिल्क के साथ, हाँ थोड़ा डालिएगा, इतना नहीं, इतना कुछ तो डाल, मैं कुछ भी नहीं बोल रही,
मैं कुछ भी नहीं बोले, आप अपने कुछ भी नहीं कर रहे आपने तो फ्राई करना है ना, आप फ्राई करें, आपको मैं थोड़ा बिजी रखती हूँ। मुझे तो आपने फ्राई भी लगाया हुआ है, तो आप बनाए ना मीठा, आप फ्राई करते रहे, आप ट्राई करते रहे। यहाँ पे मैं जेलेटिन डाल रही हूँ, जेलेटिन क्योंकि उसको थिक करने में जेलेटिन जेलेटिन और क्या डाला, और कुछ भी नहीं, वो मैदा था और कॉर्नफ्लोर। कंडम मिल्क नहीं डाला, कंडम मिल्क नहीं डाला, डालूंगी। कंडमनेशन तो बनती है वैसे, ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। क्या करना है, अरे चलाना है ब्लेंडर और क्या करना है, नहीं दूध डाल के, दूध डाल दिया, बनाना डाले ना, बनाना वो शेक ले भाई, ये तो लाजमी है। आप तीन डाल दें, अच्छा सा हमें चाहिए ना, अच्छा सा जैसे कैसा इंप्रेशन पड़े जब हमारे ग्लास में जाइए, तो ये अच्छा सा होना चाहिए, पानी पतला पतला नहीं होना चाहिए, सही। अच्छा ये मैंने बैटर तैयार कर लिया, ये जाएगा ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क के साथ, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। और हम किस में पका रहे हैं, हम पका रहे हैं किचन किंग के कुकवेयर के साथ पका रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत है और नॉन स्टिक के ज़बरदस्त, ये फर्स्ट पाइनियर है और बहुत ही पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है और बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हम इतना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी स्पून इसके अंदर डाल देते हैं, फिर भी इस ब्रांड का क्या नाम है, ये है किचन किंग, ओके हाँ ना। अब ये आ गया कंडेंस मिल्क, मैं इसके अंदर ये शामिल करूंगी, चूल्हा में तेज कर दूं थोड़ा सा, आपका चूल्हा बंद हो गया था, सही है, ये बन था चूल्हा, अच्छा? मैंने शुरू में जलाया हुआ था, इसको हो जाएगा, ये थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये रेसिपी जो है, ये आप मिल्क पुडिंग की जो रेसिपी है वो जो है थोड़ा टाइम लेती है, उसको दूध को बहुत पकाना पड़ता है, दूध ही गाढ़ा हो होकर, क्योंकि ऑल पर्स आपको पता है ऑलरेडी गाढ़ा है, लेकिन उसको ज़्यादा पकाएंगे तभी जाके वो सेट होगा, जमेगा और एक पुडिंग के पीसीस जो है वो निकलेंगे, तो जेलेटिन भी इसको हेल्प करेगा इसको जमाने में, और साथ में दूध को जो पकाएंगे वो भी हेल्प करेगा, और बहुत मज़ेदार बहुत हेल्दी रेसिपी है, अगर शुगर का आप कम इस्तेमाल करें तो ये हेल्दी रेसिपी है। अच्छा अभी मैंने इसमें शुगर नहीं डाली, भूल गई थी, आपने बस ग्लास में इसको डालना है, ये दोनों ग्लास मैंने रखे हुए हैं, ये दो ग्लास क्यों रखे, ये मैंने भाई कहो दिल की बात से मैंने आपके साथ और इतने सारे चमचे के रखे हुए हैं, बड़े ग्लास में डालना है, हाँ इसमें डालना है, सही है, ये डालना है ना इसमें शुगर, शुगर कितनी, मीठा कम ये ज्यादा, एक और ये टीस्पून है, सही है, वन टेबल स्पून हो गई, ये भर दूं, और ये टू टेबल स्पून, सही है, ज्यादा नहीं डालती, अब भर दे, फुल भर दे इसको। अच्छा आप चाहे तो बिना ना से इसको आप गार्निश भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्योंकि आप बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मसला ये कि ये बना कम है, नहीं 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 हो जाएगा कोई बात नहीं ना, इसके देखे ना ये ऊपर, तो दूध डाल देना अगर बना कम है तो कोई मसला थोड़ी है, हाँ और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका जो झाग जो है ना, इसे क्रीम, घर में कभी मेहमान आए और छह मेहमान है, चाय बनाई हिसाब से वो ऐसे बनी कि पांच कप बन गए, कप तो क्या करें ऐसे में, पांच कप बन गए ज्यादा ज्यादा भर के दे दे, अरे भाई मेहमान छह है ना, छह मेहमान है, पांच बन गए तो कम कम दे दे तो बुरा लगता है, कप आधा मेहमानों को बोले देखिए चाय पीने की आदत है ना बहुत बुरी है, तो थोड़ी कम पीनी चाहिए, अच्छा ये पहले बात स्टार्ट करें, फिर चाय दे हो जाएगा, उनका समझ में आ जाएगा, पहले माइंड बनाए ना, उनका माइंड बनाना चाहिए उनको, मिल गया आपके सवाल का जवाब, हाँ थोड़ा मिल गया, दो सेब हो मेहमान आते हैं चार तो क्या करें, काट के दे भाई, उन चार के जाने का इंतजार करें, फिर खा लें दो सेब और क्या, ये वाली टीम मुझे नहीं बताती, ऐसे भी होता है और क्या, रोजे हर जरूरी हर चीज खिलाए उनको मेहमान, नहीं नहीं रोजे के बगैर भी आए तो मैं आपको फ्री सिखा रही हूँ, आपको कोई पैसे नहीं लग रहे यहाँ पर, आपको फ्री सिखा रही हूँ, आप बनाए अपने घर में सबको खिलाए। अच्छा ये थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसका वेट करेंगे, लेकिन मैं आपको दूसरी चीजें बता दूं, हमने इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डाला, मैंने टू टेबल स्पून इसके अंदर डाला था शुगर और कंडेंस मिल्क नहीं डाला था, तो टू टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी कंडेंस मिल्क, सही, ज्यादा नहीं डालूंगी, ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, अगर आप मीठा खाते हैं तो कोई मुझे कोई मसला नहीं है, ये बहुत मीठा है, खतरनाक चीज डाल दी इसमें, हाँ मैंने डाल दी, आपका इंतजार भी नहीं किया। अच्छा अब आप इसमें थोड़ा दूध तो डालें, फुल तो करें हमारे ग्लास को, फुल कर दें, और फिर सेवन अप भी आपने डालना है, क्योंकि सेवन अप के बगैर और कशी जामी शीरी के बगैर तो अफ्तार होती ही होती नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होती, फ्राई भी जरूरी है, मीठा भी जरूरी है, स्पाइसी भी जरूरी है, और फ्राई किस में होगा, ऑयल में होगा, जाहिर बात है ऑयल हमें चाहिए, डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल, कितना जबरदस्त है ना ये, तो मुझे बहुत ही बेटर भी आया है साथ, देखिए सही है ये हमारा हो गया, बनाना से आपको कुछ नहीं करना इसके ऊपर, टॉपिंग करूं, हां कुछ टॉपिंग, टॉपिंग तो वो अंदर घुस जाएगा ना, फिर क्या करूं, कर देंगे वैसे नजर आएगा, वैसे नजर आएगा नीचे ग्लास से, हां सही दिखेगा,
मेरा अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि नज़र आएगा। अच्छा, इसको पकाने में मैं आपको बताऊं कि बनाने में, पकाने में नहीं, बनाने में, इसको वर्ड बोल दिया, इसको बनाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, आधे से पौना घंटा लगता है, क्योंकि इसको चमचा मुसलसल हिलाते रहना चाहिए कि दूध इस पर लगे बिना। वैसे अगर किचन किंग का हमारे पास नॉन स्टिक कुकवेयर हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लगेगा ही नहीं, ये तो बात है। लेकिन फिर भी आपको ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत ये गाढ़ा हो जाएगा, दूध की क्वांटिटी जैसे आपने 1 लीटर लिया है तो हाफ लीटर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो आप समझे कि आपकी जो है ये पुडिंग तैयार है। सही है, ये इसका ये टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास इतना वक्त होता नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको एक आपको टिप्स बता देती हूँ, बाकी आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आपने इस तरह से बनानी है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, ज़बरदस्ती होती है। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट में क्या शामिल करूँगी, ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि इसमें मैंने जेलेटन डाला था, जेलेटन जब डालते हैं तो उसको सेट करते हैं, सेट का मतलब है ठंडा करते हैं, तो वो सख्त हो जाता है, उसके पीसेस बनते। अच्छा, अब मैं मुझे ऑल पर्पस डेयरी क्रीम चाहिए, ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, विप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आइसिंग के लिए बेस्ट है, और आप इसमें किसी भी खाने में आप शामिल करें, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप किसी डिज़र्ट में शामिल करें, आप स्पाइसी खानों में भी इसको शामिल कर सकते हैं। ऑल पर्पस डेयरी क्रीम आपको बताया जेलेटिन था तो ये ऑलरेडी फिर भी जाके थोड़ा सा ये सेट होगी, जमेगी, अब इसे रख देती हूँ चिकन के लिए। ये हमारी देखिए मिल्क पुडिंग तैयार है, उसको ठंडा करके खाते हैं, ठंडा, बिल्कुल ठंडा करके खाते हैं, ऐसे नहीं आपने इसको गर्म गर्म खा लिया फिर आप बोले कि क्या इसके तो पीसीस ही नहीं बने। सही है, इसको आपने ठंडा करके खाना है, उसको मैं गार्निश करूंगी। मेरे पास 2-3 चीजें हैं, ये है पिस्ता, और आप सबकी फेवरेट चीज रहता है हमेशा, आप सबकी फेवरेट चीज है बादाम। क्या वाह, आपको थोड़ी बोला है मैंने। सही है, ये तो ये हो गया, वाह जबरदस्त, इसको भी हम सामने रखते हैं, गिरी भी नहीं, ये आपकी 7-Up पे भी तालियां बजेगी। बजेंगी देखिए, तो दूसरा कर लो, तैयार रखें, तालियां तैयार रखें प्लीज, तालियों की गेम अपने हाथ में, ये कैसा डाला, हम पानी का गिलास भी तालियां बजा देंगे, आज से कैसा दिया नहीं, आज से कैसा डाला, क्या मैं क्या करूं, मेरी तो बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अच्छा, केले भी मैंने काट के रखे, आप लगा सकते हैं चाहे तो, केले इसमें अंदर चले जाएंगे, अभी ठंडा नहीं है ना, ये तो अंदर चले जाएंगे, घुस जाएंगे अंदर, नहीं जाएंगे। अरे हाँ, ये तो ये देखो क्या इनको क्या पता किचन का यार, देखे कुछ भी नहीं पता मुझे। हाँ चल, अब ज्यादा नहीं डाली, बेचारा भर जाएगा पूरा, बात नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है, बुरे नहीं लग रहे, जबरदस्त, ये सारे बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया मैंने। हाँ, अब इसमें डाले ना, आपने सोचा कि आपने सॉस डाला, मैं ये केला डालने की बात कर रहा हूं, ये तो जहर डूब जाएगा। गिव की चिली सॉस हमने इसके अंदर शामिल करनी है, और वाओ ये हो गई, ठहर गई। अच्छा, अब हमने इसमें चेरी, ठहर जाती है, आइंदा आपने क्या हो गया, इसमें शामिल करें, इसकी सब फ्राई की छाछ होता है, क्या हो गया, इनको कुछ समझाएं, किचन का काम समझाएं, कुछ आता है भाई, ऐसी बात नहीं, हाँ नाम तो आपको आ गया, वाओ जबरदस्त, वो रेस्टोरेंट नहीं है बटकड़े के नाम से, अपना नहीं इनका है, अपना नहीं है, जो स्प्रे थ्रे बनाने वाली कंपनी WB भाई मानी अपनी है भाई, अपनी है वो, हम कह सकते हैं अपनी है, बटकड़े अपनी नहीं खाई, नहीं आपने आके वहां, मैंने खाई है, बहुत जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छी, बिल लिया आपसे हमने, नहीं आपने नहीं लिया, अपनी क्यों नहीं है, क्या मांग रहे हैं,
कुछ लोगों के सामने नहीं मांगा, सबके सामने बिल दिया आपसे तो कभी नहीं, अभी मेरे पॉइंटर्स से मैं आपको दे देती हूँ बिल के बदले, वो आप याद कीजिएगा। चलो भाई आखिरी एक मिनट हमारे पास नाज़रीन। चले जी अभी हो गया, और ये हमारा ये सामने तो रखे इतनी मेहनत से जो बनी है मिल्क पुडिंग, इसको क्या करें, इतनी मेहनत से रखे केले काटे हैं भाई, यहाँ रखो यहाँ रखो, मजाक है सही है। वाह 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 वाह, अब ये बताएं आज तो कमाल नहीं हो गया भाई, क्या बात है भाई, वाह सच्ची वाली तालियां बजा दें के लिए, क्या बात है, किसके लिए बजी है, आपके नाम लिया मैंने। चलो बस इतनी भी नहीं, ठीक है बस सर, चलो जी बहुत शुक्रिया जबरदस्त, और आपको 14 अगस्त की बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला जो है वो मैं तो हर रोज मनाती हूँ 14 अगस्त, लेकिन ये वाला कलर मेरे पहना तो नहीं है वैसे, सही अच्छा ऐसे लग रहा है, झंडा लग रहा है, माशाल्लाह। चले जी बहुत शुक्रिया, एक वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।